दीदी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनकी कितनी फैन हूँ। इतना अच्छे बहुत सारे पैटर्न थे पर मुझे यही पसंद आई, मम्मी ने बोला यूनिकॉर्न। मैं सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है स्वीट विद ही। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी स्वीट शॉपिंग। हाँ मतलब कल था फ्राइडे और आज है सैटरडे, तो कल हमारे पनवेल में ना पास में फ्राइडे मार्केट होता है, तो फ्राइडे मार्केट में बहुत से शॉप्स है, उनका मेला रहता है। तो फिर मतलब कपड़े होते हैं फैंसी फैंसी होम मतलब घर के, और बहुत सारे टॉयज क्यूट क्यूट स्टेशनरीज, इससे बहुत कुछ होता है। गॉगल्स मेकअप का सामान बहुत कुछ होता है और सस्ता भी होता है, तो इसलिए और मुझे भी चाहिए था। क्या तो क्या चाहिए था वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो देखना मत भूलना। तो चलो देखते हैं। तो हम गए थे कल फ्राइडे मार्केट और हमने क्या क्या शॉपिंग की है वो हम दिखाने वाले हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, उस फ्राइडे मार्केट का मैंने थोड़ा सा भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं और मेरी मम्मी शॉपिंग के लिए क्रेजी है, तो इसलिए जब अपने सामान ढूंढ रहे कि क्या 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 मिले, ऐसे मम्मी यहाँ पे मुझे नहीं तो मेरा कब खत्म होगा, मतलब इतना बड़ा। तो यार टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं। सो देखो फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे तो इतने बैग भर कर हमने शॉपिंग की है, और मतलब बैग भी बहुत भरकर हो गए। चलो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले ये है कार साफ करने का, क्योंकि मतलब हम कहाँ पे भी गए तो हम वो भूल ही जाते हैं कि ये लेना है। और ये सिर्फ हमें 10 रुपीस में मिले और हम कहाँ पे भी जाते हैं हम भूल ही जाते हैं क्या लेना है। तो फिर मम्मी ने सोचा कि मम्मी को याद आए, तुम्हें हाँ नहीं हाथ में लेना है क्या, ऐसे तो 30 रुपीस में मिलते हैं डीमार्ट में, इसलिए हम आ गए थे फ्राइडे मार्केट तो हमने ले चीज आ गया। सो या और ये कितना पिंक पिंक प्यार। तो नेक्स्ट है क्या होगा, चप्पल। तो मेरी चप्पल खराब हो गई थी और बहुत ही खराब, जो मेरी डेली वेयर की चप्पल है वो मतलब टूटने को आई थी, तो इसलिए हमने नई चप्पल ले ली है। देखो और इसमें बहुत सारे कलर थे पर मुझे ये पर कलर पसंद आया और कितना प्यारा दिख रहा है। और ये रबर जैसा मटेरियल है और पहनते हैं ना तो मतलब बहुत रिलैक्सिंग लगता है, इसलिए मैंने ले लिया। और ये रेनी सीजन में भी चलेंगी इसलिए हमने ले लिया। तो इसको भी हम इस सेट में रख लेते हैं। चलो इसको रख लेते हैं, इसको नीचे डाल लेते हैं, बेड पे अच्छी नहीं लगती इसको। तो फ्रेंड्स मैंने रख दिए बेड के नीचे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है किसके किसके पास ये है। हाँ किसने किसने गेस भी किया होगा और किसके किसके पास होगा भी। तो ये है वो वाला, तो ये है हेड मसाज वाला। ये तो ये हमें मिला है, और तो पता है हमको ये कितने रुपए में मिला, आप सोच रहे होंगे 100 रुपीस, नहीं 50 रुपीस, नहीं 30 रुपीस, नहीं ये 25 रुपीस में मिले हमें। ये सर तो कितना अच्छा, और हम मम्मी ने ऑनलाइन देखा ये तो ये मिला था 105 रुपीस में। तो देखो हमारा कितनी, चलो इसको लगते हैं। ये है हमारे एक्सेसरी, देखो फ्रेंड्स हमने कितने सारे लेके आ गए हैं एक्सेसरी देखो। चलो एक एक करके दिखाती हूँ। तो फर्स्टली ये है एक बेल्ट, हेयर स्टाइल बेल्ट ऐसे बोल सकते हैं हम। ये देखना, तो पहले हम मम्मी ने लिया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये। सो फिर मम्मी ने बोला घर के आगे तो ये है। सो ये देखो, ये देखो यहाँ पे इसमें छोटे छोटे क्लिप्स भी अटैच है, देखो कितने। तो इसमें हम ऐसे बर्ड वाली जो हेयर स्टाइल होते हैं ना वैसे हम कर सकते हैं, तो हम क्लिप लगाते हैं उसमें। देखो ये लड़की है,
क्योंकि देखो इसने कैसे किया है, ये ऐसे करती है, देखो ये वाली स्टाइल कर सकते हैं, ये नॉर्मल बहुत सारे कर सकते हैं। अभी तो हमने ट्राई करके नहीं देखा है, पर हम ट्राई करेंगे तो आपको दिखाएंगे। सो या फ्रेंड्स, इसको हम इस साइड पे रख देते हैं, एक्सेसरीज में यहाँ पे हम रख देते हैं। तो अभी ये देखो, मम्मी ने मुझे रबर बैंड लेके आए हैं, और ये कितने फैंसी है ना, और ना मतलब ये हम ऐसे लगा सकते हैं कौन से भी मैचिंग में, तो कितने प्यारे दिखेंगे। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। तो ये हमें मिले थोड़े से कॉस्टली, 50 रुपीस में टू, तो थोड़े से कॉस्टली है। और इसमें पर्स भी लगे हैं ना, और कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, इसलिए हमने प्यारे प्यारे कलर में ले लिए। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। ये है, पहले मैं रबर का ही दिखाती हूँ। तो ये है क्रंची, ये वाइट कलर का सॉफ्ट सॉफ्ट क्रंची, और ये है पिंक कलर का क्रंची, जो कि हम हाथ में भी ये दोनों पहन सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी डाल सकते हैं, मतलब बोनी के लिए, बोनी नहीं बोनी के लिए डाल सकते हैं, मैंने बोनी बोला फ्रेंड। तो ऐसे वाले पहले मेरे पास ब्लू, ब्लैक और येलो है। सो एक ब्लैक मैंने पहना है जो कि पुराना हो गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये हमें 10-10 रुपीस के ईच पर है, और मतलब 10 रुपीस के कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये कितने के था मम्मा? 10, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़रा कम थी। यस, मतलब उसमें ज़्यादा फर नहीं थे, और इसमें देखो कितने सारे, और इसमें क्यूट ज़्यादा है। ये सैटिन वाला है, ये सैटिन वाले है, और बहुत क्यूट दिखते, इसलिए मम्मी ने ले लिए मेरे लिए। तो ज्यादा सामान मेरा ही है फिर। और ये देखो, ये है, ये मम्मी को बहुत टाइम से मेरे लिए चाहिए था, मम्मी लेने वाली थी, तो ऐसे वो बाल को लगाना होता है ना, वो मैं आपको लगा के दिखाऊं क्या? चलो लगा के दिखाई देती। सो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये लगा दिए है, और कितने प्यारे दिख रहे हैं ना, हाँ। सो और हम इधर भी लगा सकते हैं, पर मैं इसमें हम बहुत सारे स्टाइल कर सकते हैं, और हम क्यूट और प्रीटी दिख सकते हैं। किसके किसके पास ये है कमेंट करके जरूर बताना। हमारे पास ये गोल वाले भी है, और ये है फ्लावर वाले, फ्लावर डिजाइन के। देखो, और ये हमें कितने को मिले थे? 10 रुपीस में मिले थे सारे, एक एक ईच 10 रुपीस का पड़ा है। हाँ, और स्टोर में मिलेंगे तो 20 रुपीस का मिलता है, और ये वाला हमें मिल गया है 20 रुपीस को, और ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा महंगा। तो देखो फ्रेंड्स कि मार्केट में, स्ट्रीट मार्केट में जाके क्या क्या हमें सस्ता मिलता है। तो लास्ट है टिकटॉक, जो कि मैं रोज घुमा देती। तो ये मुझे लगता है स्कूल वगैरह के लिए, और जब भी मम्मी लेके आती है मैं घुमा देती हूँ। कौन कौन ऐसा करते है, प्लीज ऐसा मत करो। और ये लगते है ये, और ये मेरे खत्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने लेके आ गए। और ये सबको पता ही होगा, टिकटॉक बोलते है, और क्लिप्स। और ये मिला है 10 रुपीस को, और ये थी कुछ हेयर एक्सेसरीज, और बहुत सस्ती और प्यारी प्यारी मिली है हमें। तो यार अब नेक्स्ट में क्या दिखाऊँ आपको, कपड़े दिखाऊँ? सो फ्रेंड्स आज जरा वीडियो ब्लर दिख रहा है लाइट के वजह से, तो सॉरी, बट आप तो एडजस्ट करो। तो ये है बहुत सारे कपड़े, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। सो ये है एक पैंट प्यारी सी, ये ऐसी है, बट इसका मतलब ये ऐसी टाइप की है, बट इसका कलर और डिजाइन अलग है, और ये क्रॉप टाइप पैंट है। और तो हम जब गए थे तो हमने से पैंट वगैरह लेने के लिए ऐसे नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैंट थे। देखो अभी भी मेरे एक पहनी है, बट देखी तो बहुत प्यारी थी, तो इसलिए मम्मी बोला ले ली, तो मम्मी ने ले ली। सो मम्मी को मैंने कल लुटा ही दिया था। मेरे ऊपर कैसे दिख रही है ये भी आप देख सकते हो, और इसमें एक बेल्ट भी है जो कि हमने नहीं लगाया था, और इसमें दो पॉकेट भी दिए, बेल्ट भी दिया, और एक ऐसे
क्या बोल, और सीक्वेंस वाला बटरफ्लाई भी दिया है। तो ये मिली हमें 200 रुपीज, सिर्फ ये हमें 200 रुपीज में मिली। तो 200 रुपीज की अच्छी मिली है ना। तो यार, तो मम्मी को मैंने आज लुटा दिया है। तो यार, तो यहाँ पे लग देते। तो ये है, तो ये है हमारा प्यारा सा टॉप। और देखो इसमें क्यूट सा, आपको दिखाती हूँ पास से। सो यहाँ पे ना क्यूट सा बनी गर्ल है और कितना प्यारा दिख रहा है। और ऐसे बहुत सारे, और ये एक क्रॉप टॉप है। सो मुझे बहुत पसंद है क्रॉप टॉप, और ऐसे डिजाइन में मतलब मुझे और पसंद आ गए। कैसे दिख रहे हैं मेरे ऊपर कमेंट करके बताना, और आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करो। ओके, तो मुझे समझ आएगा किसको पसंद आया है। सो चलो, और ये हमें मिला था ओनली 200 रुपीज का। तो ये दोनों 200 रुपीज के मिले, और तो हमने ये मैचिंग ही ले लेते हैं। तो या चलो रख देते हैं, और आपको लास्ट पे आपको दिखाऊंगी ये लेगी। तो ये मिले लेगिंग्स, और ये देखो आपको याद आया होगा तो बिंदास काव्या चैनल है। जो काव्या दीदी जो है वो ऐसी मतलब लेगी पहनती है, और मुझे वो दीदी बहुत अच्छी लगती है। तो उनको देख देख के मुझे भी लेगिंग्स का क्रेज हो गया है, और मेरे पास ऐसे प्रिंटेड लेगिंग्स नहीं थी। तो ऐसे ही सेम काव्या दीदी के पास भी 2 कलर्स में जो की लाइन्स वाली, सो ये भी है। तो मुझे रेम्बो कलर्स में मिली, और लेकिन मैं काव्या दीदी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनकी कितनी फैन हूँ। सो देखो, लेकिन मैं काव्या दीदी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनकी कितनी फैन हूँ। सो देखो, तो काव्या दीदी आई लव यू, आप देख रहे हो तो प्लीज को देखो, आपकी वजह से मुझे भी क्रेज हो गया है। तो ये है लेगिंग्स, और बहुत मतलब प्यारी है रेनबो कलर की। तब तक वो रहनी चाहिए ना। बाबी बोली तब तक वो रहनी। चलो नेक्स्ट। तो ये थी लेम्बो लाइन्स वाली, और दूसरी जो है वो लेपर्ड प्रिंट की, और ये मुझे बहुत अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हो। देखो ये अच्छी है। 3 दिन पहले हम मॉल में भी गए थे, तो इसके लिए ही गए थे क्योंकि थी। तो हम गए थे तो उसमें ज्यादा पैटर्न भी नहीं थे, पुराने थे, तो इसलिए नहीं मिला। तो फिर इसलिए तो फ्राइडे मार्केट में गए, सो मम्मी को बोला और कुछ दे चाहिए, ये मुझे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न के थे, इसलिए हमने 2-2 ले लिए। बहुत प्यारी है। सो ये है
यूनिकॉर्न जेल पेन, ये एक्चुअली जेल पेन नहीं है बट तो ये यूनिकॉर्न जेल पेन, देखो कितना ग्लिटरी है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी और मुझे ये बहुत पसंद था। बहुत सारे पैटर्न और यूनिकॉर्न देखो कितना अच्छे, बहुत सारे पैटर्न थे पर मुझे यही पसंद आई। मम्मी ने बोला यूनिकॉर्न, मैं बोली यूनिकॉर्न ले लो। सो आप सोचते होंगे ये 100 रुपीज में 50 रुपीज में मिला, सो नहीं ये 20 रुपीज में मिला है हमें। हाँ मतलब तो यहाँ पे आपको लग रहा है ये पेन है, किधर है इसका पेन दिख रहा है? ये देखो, और देखो पेन की लाइन कितनी अच्छी है। मैं आपको हाथ पे दिखा के देखती हूँ, जा मैंने आपको दिखाऊंगी क्या लिखा है मैंने, ये कर दो और कमेंट में भी बताओ क्या लिखा है। हाँ तो यहाँ पे मेरे टोपन भी छोटा सा। तो मैं फ्राइडे मार्केट को स्टेशनरी शॉपिंग के लिए गई थी, वहाँ पे भी स्टेशनरी था बट वो जो शॉप में सामान थे वो पुराने पुराने थे। मम्मी ने बोला तो मैं बोली, मैं नाराज भी थी मम्मी से कि क्यों मुझे ये कितने अच्छे अच्छे स्टेशनरी नहीं ले रही है। तो मम्मी ने बोला ये अच्छे नहीं है, जाने दो जाने दो, पर सबर का फल मीठा होता है, आपने सुना ही होगा। सो लास्ट में हमें मिल गया। तो ये था मेरा पेन क्यूट सर, और यूनिकॉर्न वाली पहली बार मेरे पास कोई चीज आई है, सो आई एम हैप्पी। सो ये देखो ये स्टेशनरी वाला फर्स्ट, तो दूसरा है प्यारा सा एलिफेंट, ये है एलिफेंट वाला शॉपनर। ये देखो कितना क्यूट सा एलिफेंट वाला शॉपनर है, देखो बोल। तो ये है 10 रुपीज का। सो आप सोचते ही पड़ रहे होंगे 10 रुपीज का है भाई, सच सच से में 10 रुपीज का मिला है फ्रेंड्स। और मतलब इतना सारा स्टोरेज, इतना सीक्रेट जगह, कितना क्यूट क्यूट। और स्लाइम भी था बट मम्मी ने बोला अभी एग्जाम होने के बाद बेटा आप मत। तो मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है। हाँ तो मम्मी मुझे क्राफ्ट का भी स्टेशनरी देने वाली है, लेकिन एग्जाम के बाद मम्मी ने ऐसे सर्च लगाई है कि तुमने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए तभी मैं सब लेके आऊंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये भी है वो लेके जाऊंगी, ऐसे मम्मी ने बोला। लेके नहीं जाऊंगी मैं दूसरों को गिफ्ट कर दूंगी। आप अगर लेकर आओगे तो क्या दुकान वाले लेंगे क्या? दूसरों को दे दूंगी गिफ्ट। नहीं नहीं मैं इतने सारे गिफ्ट मैं मेरे पास ही लूंगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी स्ट्रीट शॉपिंग, कितनी सारी स्ट्रीट शॉपिंग है देखो। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर।